हाय एवरीवन, गिल्ज मिंटोर दे ऑफिशियली यूट्यूब चैनल ते तुहाडा सब दा वेलकम है। करंट अफेयर दी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिदा पार्ट फर्स्ट है। लगभग पिछले 4 महीने दे करंट अफेयर से एमसीक्यू यानी टॉप 3000 करंट अफेयर एमसीक्यू टिल डेट तक असी कवर करांगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ने ये सारे पेपर्स, चाहे तुसी पीपीएससी दे एग्जाम दे रहे हो, मार्कफेड है, पीएससीबी क्लर्क एग्जाम है, पंजाब एंड हाई कोर्ट क्लर्क पेपर है, एनटीपीसी है, एफसीआई है, एचएसएससी है और एसबी एग्जाम है, या तुसी एसएससी दा कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो करंट अफेयर्स दे इस सेशन ते बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और तुहानू इदां दे क्वेश्चंस पेपर च देखण नू डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि असी हर तरीके दे क्वेश्चंस पिक कीते ने। तो इस सीरीज़ का फस्ट पार्ट है, तुसीं इदां ही कंटिन्यू गिल्ज मिंटोर नूं सपोर्ट करना है। अगे लाइक और शेयर करना नहीं भुलना, ताकि असीं तुहाडे तक कंटिन्यू इस सीरीज़ लेके चलांगे। और इहदे नाल सब तो बेहतर गल ये है कि तुहानूं रिवीजन वास्ते पीडीएफ भी दिता जाएगा। तो गाइज, इदां ही तुसीं अगर चाहुंदे हो भी सरकारी असामियां अते इंपोर्टेंट अपडेट्स दे पीडीएफ भी तुहाडे तक पहुँचन, तां तुसीं प्लीज़ इस चैनल नूं सबसक्राइब करना नहीं भुलना। सबसक्राइब करियो, नाल बैल आइकन नूं जरूर प्रेस करियो, ताकि कोई भी लाइव सैशन होएगा तो उहदा नोटिफिकेशन तुहाडे तक सब तो पहला आएगा। तो गाइज, शुरू करते हैं अज दा सैशन, तो तुसीं फटाफट इहनूं शेयर कर दो। लैट्स बिगिन विद द सैशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एज पर द आरबीआई हाउसिंग लोन्स given by RRBs and SFBs to individuals up to dash in metropolitan centers in bracket with population of 10 lakh and above and Indian rupees 25 lakh in other centers will be eligible for classification under priority sector lending ki jehdi RBI di housing scheme hai under RRB and SFB oh kinna jo hai allot kardi hai under priority sector lending। option 1 is 35 lakh, option 2 is 32 lakh, option 3 is 40 lakh, option 4 is 38 lakh। correct answer here is option number 1, 35 lakh। isnu hor explain kardya hoya ki under priority sector lending ते जेड़ा हाउसिंग लोन गिवन बाय आरआरबी एंड एसएफबीज टू इंडिविजुअल्स इज अबाउट 35 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ग्लोबल कार्ड पेमेंट्स ब्रांड मास्टर कार्ड हैज़ अनाउंस्ड इट्स प्लान ऑफ इन्वेस्टिंग डैश इन इंडिया ऑपरेशंस ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स कि जेड़ा मास्टर कार्ड है उन्हें किन्ने लाख रुपए पार्डन नॉट लाख रुपए बट किन्ने पैसों की इन्वेस्टमेंट उन्हें इंडिया च नैक्सट 5 ईयर्स डिसाइड की है। ऑप्शन 1 इज $5 बिलियन, ऑप्शन 2 इज $2.5 बिलियन, ऑप्शन 3 इज $2 बिलियन, ऑप्शन 4 इज $1 बिलियन। करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर 4, $1 बिलियन। इसनों होर एक्सप्लेन करदिया होया कि जो ब्रांड है मास्टर कार्ड्स दा विच इज़ फेमस फॉर ग्लोबल कार्ड पेमेंट्स यह इंडिया अगले 5 साल विच $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इन्हें करन दी अनाउंसमेंट कीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द इब्सा इंडिया ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका शेरपाज मीटिंग फॉलोइंग द 9th इब्सा ट्रिलेटरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग वॉज हेल्ड इन कि जिहड़ी इब्सा मीटिंग है शेरपाज मीटिंग जो कि 9th इब्सा ट्रिलेटरल मीटिंग तो बाद हुई वह कितने हुई। ऑप्शन 1 इज इम्फाल, ऑप्शन 2 इज नागपुर, ऑप्शन 3 इज कोचिन, ऑप्शन 4 इज विशाखापट्टनम। करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर 3, कोचिन। सो द आंसर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दैट जिहड़ी यह इब्सा मीटिंग सीगी इट वॉज हेल्ड इन कोचिंग आफ्टर द 9th इब्सा ट्रिलेटरल मिनिस्टर मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज नेम द गर्ल हु डांस्ड कंटिन्यूअसली फॉर 126 आवर्स टू सेट अ गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन लोंगेस्ट डांसिंग मैराथन बाय एन इंडिविजुअल कि इन्हां चारां विच्चों केड़ी ओह गर्ल सी जिन्हें 126 घंटे डांस किया फॉर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वास्ते। ऑप्शन 1 इज आरती, ऑप्शन 2 इज बंदना, ऑप्शन 3 इज सुषमा, ऑप्शन 4 इज रेशमा। करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर 2, बंदना। इसनों होर एक्सप्लेन करदिया होया कि बंदना इज एन 18-year-old नेपाली गर्ल ते इन्हें 126 आवर्स तक इन्हें डांस किया टू सैट अ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसका नाम सी लोंगेस्ट डांसिंग मैराथन बाय एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज़
Which of the following state has passed an act that will allow the shops and other business in the state to operate 24/7? कि केड़े स्टेट ने 24/7 बिजनेस ते शॉप्स दे खुले रहन दा जो है एक्ट पास कीता है. ऑप्शन वन इज गुजरात, ऑप्शन टू इज गोवा, ऑप्शन थ्री इज कर्नाटका, ऑप्शन फोर इज पंजाब. करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर वन, गुजरात. इसनों होर एक्सप्लेन कर दिया होया कि यह एक्ट दा नाम सीगा गुजरात शॉप्स एंड एस्टैबलिशमेंट्स एक्ट ऑफ 2019. It was passed by Gujarat Assembly, which came into force from May 1, 2019. The Act will allow the shops and other business in the state to operate 24/7. Next question says, the World Asthma Day is an annual event which is observed every year on ki Asthma Day asi kadon observe karde hain. Option 1 is first Tuesday in April. Option 2 is first Wednesday in May. ऑप्शन थ्री इज फर्स्ट मंडे इन मे. ऑप्शन फोर इज फर्स्ट ट्यूजडे इन मे. करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर फोर, फर्स्ट ट्यूजडे इन मे. इसनों होर एक्सप्लेन करदे होया वर्ल्ड एस्थमा डे इज एन एनुअल इवेंट विच इज ऑर्गेनाइज बाय ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एस्थमा एंड ऑन फर्स्ट ट्यूजडे इन मे टू इम्प्रूव द एस्थमा अवेयरनेस एंड कंट्रोल अराउंड द वर्ल्ड. This year it was observed across the globe on 7th May 2019. Next question says, which of the following country's Air Force Research Laboratory tested a laser system called Self-Protect High Energy Laser Demonstrator Shield that successfully shot down multiple air launched missiles while in flight? कि जेड़ा आह लेज़र सिस्टम है कॉल्ड शील्ड एक किस कंट्री ने लॉन्च किया. ऑप्शन वन इज फ्रांस, ऑप्शन टू इज रशिया, ऑप्शन थ्री इज इज़राइल, ऑप्शन फोर इज यूएस. करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर फोर, यूएस. इसनों होर एक्सप्लेन करते हैं होया द यूएस एयरफोर्स रिसर्च लैबोरेटरी कि यह जी एयरफोर्स रिसर्च लैबोरेटरी सी यूएस की सी जिसने एक लेज़र सिस्टम नो टेस्ट किया कॉल्ड शील्ड एट यूएस आर्मीज वाइट स्टैंड मिसाइल रेंज इन न्यू मैक्सीको. ये जी टेस्टिंग सी न्यू मैक्सीको हुई तो ये खास चीज़ की देखी गई कि इन्हें मल्टीपल एयर लॉन्च्ड मिसाइल्स नू फ्लाइट च रेंद्या होया ही ये डिस्ट्रॉय करन दी पार रखदा. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रीसेंटली ऑनर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जैक फार्ज रफेल जैकब who negotiated the historic surrender of Pakistani troops in Dhaka after the 1971 Bangladesh's liberation war with a plaque on wall of honor. इसनों एक्सप्लेन करते हुए कि केड़ी कंट्री ने रीसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल जैक फराज रफेल जैकब नू एक ऑनर किया ड्यू टू हिज हिस्टोरिक सरेंडर ऑफ पाकिस्तानी ट्रूप्स इन ढाका. ऑप्शन वन इज बांग्लादेश, ऑप्शन टू इज इंडिया, ऑप्शन थ्री इज पाकिस्तान, ऑप्शन फोर इज सॉरी ऑप्शन थ्री इज इज़राइल, ऑप्शन फोर इज पाकिस्तान. करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर थ्री, इज़राइल. सो इसनों होर एक्सप्लेन करदे होया कि इट वॉज इज़राइल द कंट्री विच ऑनर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जैक फराज रफेल जैकब हु नेगोशिएटेड द हिस्टोरिक सरेंडर ऑफ पाकिस्तानी ट्रूप्स इन ढाका After 1971's Bangladesh Liberation War. Next question says, who among the following has been honored in UK with 2019 V.K. Krishna Menon Award for his outstanding contribution as pioneer of decolonized journalism? कि इन चारों विचों किन्हों 2019 V.K. Krishna Menon Award नाल honor किया गया in UK for his outstanding contribution as a pioneer. First option is Kuldeep Nayyar, second option is G.D. Robert Govinder, third option is Sagarika Ghosh, fourth option is Ayaz Memon. Correct answer is option number 2, G.D. Robert Govinder. So it was G.D. Robert Govinder, an Indian origin journalist in South Africa
जिसनों यूके 2019 वी के कृष्णा मेनन अवार्ड दिता गया। नैक्सट क्वेश्चन सैज हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हैड कोच ऑफ मैनस नैशनल टीम, कि मैनस नैशनल टीम के जो है हैड कोच कि रीसेंटली अपॉइंट किया गया। ऑप्शन वन इज़ यूगो कोंते, ऑप्शन टू इज़ डिनडिन सेंटागियो, ऑप्शन थ्री इज़ मैरुविस वलेसली, ऑप्शन फोर इज़ ड्रैगन मिहालोविक। करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर फोर, ड्रैगन मिहालोविक। इसनों होर एक्सप्लेन करदिया होया कि जो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है इन्हें अपॉइंट किया सर्बियन ड्रैगन मिहालोविक नू एज अ हैड कोच ऑफ मेन्स नैशनल टीम इन अ मूव्ड लिंक टू अ लोंग टर्म गोल ऑफ ओलंपिक्स गेम्स क्वालिफिकेशन। तो इन्हों एज अ कोच ही हैज़ 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड। नैक्सट क्वेश्चन सेज द थीम ऑफ वर्ल्ड एस्थमा डे 2019 वॉज, की 2019 का जो वर्ल्ड एस्थमा डे से की थीम से। ऑप्शन वन इज़ कीप इट्स सिमटम्स अंडर कंट्रोल, ऑप्शन टू इज़ स्टे इन क्लीन इनवायरमेंट्स, ऑप्शन थ्री इज़ स्टॉप फॉर एस्थमा, ऑप्शन फोर इज़ क्विट स्मोकिंग। करेक्ट आंसर हेयर इज़ ऑप्शन नंबर थ्री, स्टॉप फॉर एस्थमा। सो द आंसर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दैट द थीम फॉर वॉज स्टॉप फॉर एस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इट्स अ रिपीट क्वेश्चन, एन 18 ईयर ओल्ड गर्ल डांस्ड कंटिन्यूसली फॉर 126 आवर्स टू सेट अ गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट डांसिंग मैराथन बाय एन इंडिविजुअल, अ फीट प्रीवियसली हेल्ड बाय एन इंडियन। शी इज़ फ्रॉम, कि जिन्हें जिस गर्ल ने 126 आवर्स तक इंडिविजुअली डांस करके एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़िया, वो केड़ी जगह तो बिलोंग करती सी। ऑप्शन वन इज़ श्रीलंका, ऑप्शन टू इज़ रशिया, ऑप्शन थ्री इज़ भूटान, ऑप्शन फोर इज़ नेपाल। करेक्ट आंसर हेयर इज़ ऑप्शन नंबर फोर, नेपाल। सो आई थिंक थानू एक्सप्लेनेशन याद होएगी, एज़ पर द आंसर द आंसर एज़ पर द क्वेश्चन द आंसर इज़ नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज The G7's group of seven environment ministers gathered for a two-day meeting in Dash to discuss on steps required to handle deforestation, plastic pollution and depletion of coral reefs. कि जड़ी G7 दी meeting हुई group of seven दी based on environment ministers, it was a two-day meeting which was held on which of the following countries? Option 1 is UAE, option 2 is USA, option 3 is UK, option 4 is France. करेक्ट आंसर हेयर इज़ ऑप्शन नंबर फोर, फ्रांस। सो इसनों होर एक्सप्लेन करदिया होया कि जो ग्रुप ऑफ सैवन इनवायरमेंट मिनिस्टर्स गैदर हुए सीगे यह दो दिन की मीटिंग सी विच वॉज हैल्ड इन मेट्स फ्रांस। द एम वॉज टू डिस्कस ऑन स्टेप्स रिक्वायर्ड टू हैंडल डिफोरेस्टेशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, डिप्लीशन ऑफ कोरल रीफ्स एंड वेज टू बिल्ड पैक्ट्स बिटवीन द कंट्रीज इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट। Next question says, which of the following telecom operator has signed a 5-year multi-million dollar IT outsourcing deal with tech giant IBM? कि IBM नाल केड़े telecom operator ने एक 5 साल तक दी multi-million dollar जो है deal की थी? Option 1 is Airtel, option 2 is Vodafone Idea, option 3 is Jio, option 4 is Aircel. So correct answer here is option number 2, Vodafone Idea. इसनों होर explain कर दिया होया कि India's largest telecom operator Vodafone Idea, Vodafone Idea दी integration I think साल या डेढ़ साल approximate last दे कुछ सालां च ही हुई। They announced a 5-year multi-million dollar IT outsourcing deal with tech giant IBM. Next question says, Dash has decided to enhance the housing loan limits for regional rural banks and small finance banks for eligibility under priority sector lending in a bid to give them a level playing field with other scheduled commercial banks. This question is again similar to question number one. This time the blank has come ki ene kis jo hai body ne ehe decide ki thi ehe scheme. Option one is Niti Aayog. Option 2 is NIIF, option 3 is NABARD, option 4 is RBI. Correct answer here is option number 4, RBI. So isnu hor explain kardya hoya ki it was Reserve Bank of India which decided to enhance
the housing loan limits for RRBs and SFBs for eligibility under priority sector lending. Next question says, the website of Lokpal has been launched. What is the URL of the website? कि जड़ी लोकपाल दी website launch हुई है, वो the key site दा नाम की है. Option 1 is www.lokpal.government.in. Option 2 is www.lokpal.government.com. Option C is www.lokpal.government. Option 4 is www.lokpal.com. Correct answer here is option number 1, www.lokpal.government.in. So, isnu hor explain karde hoya, the website of the Lokpal, www.lokpal.government.in, has been launched. It was inaugurated by Chairperson Justice Pinaki Chandra Ghosh in the presence of all members of Lokpal in New Delhi. Next question says, IT services firm Dash and a French digital content publishing firm Rakuten Aquafidas signed an MOU to collaborate on building enhanced customer experience offerings. कि एक आई टी सर्विसिज फर्म सीगे जिस द पार्ट वन इज फ्रेंच डिजिटल फर्म एंड सेकेंड पार्ट जो है कि इंडियन फर्म ने साइन किया टू कोलैबोरेट ऑन बिल्डिंग इनहैंसड कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफरिंग्स. ऑप्शन 1 इज इन्फोसिस, ऑप्शन 2 इज टेक महिंद्रा, ऑप्शन 3 इज विप्रो, ऑप्शन 4 इज गूगल. करेक्ट आंसर हेयर इज करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर 2, टेक महिंद्रा. सो इसनों होर एक्सप्लेन करदे हुए हैं, आई टी सर्विसेज फर्म टेक महिंद्रा एंड फ्रेंच डिजिटल कंटेंट पब्लिशिंग फर्म रॉकुतिन एक्वाफिदास हैज साइंड एन MOU टू कोलैबोरेट ऑन बिल्डिंग इनहैंस्ड कस्टमर एक्सपीरियंस्ड ऑफरिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, US प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज रोल्ड आउट अ मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम. The proposals significantly increase the quota for skilled workers from the existing nearly 12% to what? So, jada Donald Trump ne ek merit-based immigration system launch kita hai, ta jada skilled workers da quota siga 12% to vad ke kinna ho gaya hai. Option 1 is 37%, option 2 is 51%, option 3 is 42%, option 4 is 57%. Correct answer here is option number 4, 57%. So, isnu hor explain karde hoya ki jada as per the proposed system by Donald Trump, ta jo permanent legal residency would be given based on the points of the age, knowledge, job opportunity and civic sense. The proposals significantly increase the quota for skilled workers from the existing nearly 12% to 57%. Next question says, which of the following commando force created history as they scaled the Mount Everest in their maiden attempt? Kedi commando force the first attempt ne which of the following commando forces the first attempt ne history create karti while scaling the Mount Everest. Option 1 is Garud, option 2 is Marcos, option 3 is NSG, option 4 is Cobra. Correct answer here is option number 2, Marcos. Last question of the session says, leading stock exchange BSE has launched Dash app to enable more participation and help mutual fund distributors process transactions faster. कि जेड़ी stock exchange BSE जो है इन्हें एक ऐप लॉन्च की है जिदे नाल की है म्यूचुअल फंड्स च लोग की ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे ते यह प्रोसेस फास्ट होएगी ते इस च होर लोग पार्टिसिपेशन करेंगे ता इस ऐप दा की नाम है. ऑप्शन 1 इज BSE M फंड, ऑप्शन 2 इज BSE MF रॉक, ऑप्शन 3 इज BSE स्टार MF, ऑप्शन 4 इज M फंड. करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर 3, BSE स्टार MF. सो इसनों होर एक्सप्लेन करदे हुए कि लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज BSE हैज़ लॉन्च्ड BSE स्टार MF ऐप
ताकि होर लोग म्यूचुअल फंड्स च पार्टिसिपेट कर सकन ते जो फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन दा प्रोसेस है इट इज़ फास्टर।